दोस्तों, मेवात इलाके की एक ऐसी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप हैरत में रह जाएंगे। दरअसल मामला ये है कि 3 महीने बाद 88 साल का एक बुजुर्ग मरकर जिंदा हो गया। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 88 साल का अब्दुल्ला, जो कि अकबरपुर गांव का रहने वाला है, वो जिंदा है, लेकिन कागजों में उसे मरा हुआ दिखाया हुआ है। वो लोगों से बात भी करता है, वो इलाके में घूमता भी है, चलता फिरता भी है, बावजूद उसके अधिकारी मानने को तैयार नहीं है कि 88 साल का अब्दुल्ला जिंदा है। इस बात के बारे में उस वक्त पता चला जब 88 साल के अब्दुल्ला की पेंशन अचानक बंद हो गई, और जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि मेरी जो पेंशन है वो बंद क्यों हुई, तो अधिकारियों ने बताया कि आप जिंदा कैसे हैं, आप तो मर गए हैं। और बार बार अब्दुल्ला कह रहा है कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, और अब उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री साहब, आपके राज्य का ही एक मतदाता हूँ, आपके राज्य का ही एक नागरिक हूँ, मेरी अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ, आप कहिए अपने अधिकारियों को कि वो मेरी बात सुने जिससे मेरी पेंशन दोबारा से चालू हो। अब्दुल्ला, जो कि अकबरपुर गांव का नंबरदार भी बताया जा रहा है, पेंशन, बुढ़ापा पेंशन की बंद हो गई, लेकिन नंबरदार की पेंशन आपकी आ रही है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। हाँ, क्या हुआ था, कैसे आप मर गए? मैं तो जब गयो, जब जाकर उन्होंने बताई, अगर दिखा रहा हो मेरी पेंशन कैसे आएगी पीछे से, मैं तो जिंदा खड़ा हूँ, मान के ना दी। कोई नहीं मान रहा आपकी बात। हाँ, मान के ना दी नहीं, फिर मैं भाई करवायो, फिर कहने वाके सारे वाके अस्पताल के हूँ उसू जा के कागज लियो, अगर भाई तेरे वहाँ मैं मरो हूँ तो बता, मान के हमारे कोई ना मरो। और तो उनके पास रिपोर्ट पहुँची कहाँ से? पहुँची ना, कोई रिपोर्ट नहीं पहुँची? नहीं पहुँची। आपने पास रिपोर्ट बना दी? हाँ, नहीं वैसे ही बना दी, न उनके पहुँची ना। अच्छा। हाँ, साफ फिर उन्हें अपना मुहूर्त लगा के है नहीं। हाँ। और दस्तक करके दे दे, क्या दिखा दीजिए। अच्छा। हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? 28 साल हो गई। 28 साल हो गई है। हाँ। पेंशन कब से नहीं आ रही है? पेंशन जब 60-65 से लिया। नहीं नहीं, पेंशन आप कब से नहीं रही है, बंद कब हुई? चौथा महीना चल रहा है। 4 महीने से पेंशन नहीं मिली। हाँ, 4 महीना हो गया। नंबरदार की पेंशन आ रही है। चलिए, ये हैं अब्दुल्ला, जो कि 88 साल अपनी उम्र बता रहे हैं। इसके अलावा गांव के लोग भी हैं, सारे गांव के लोगों से मिलते जुलते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि अधिकारियों ने अपने पास से रिपोर्ट बनाई कहां से, जिसमें इनको मृत घोषित करा, जिनमें इनको मरा हुआ दिखाया, क्योंकि मरे हुए होने के आधार पर ही इनकी पेंशन बंद करी गई है। जाइए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन मिलनी चाहिए, कागजों में दोबारा जिंदा होना चाहिए आपको। है, क्या नाम है चाचा? इसराइल। इसराइल, आपका गांव कौन सा है? अकबरपुर है। अकबरपुर है। अच्छा, ये बताइए कि इनको मरा हुआ दिखा दिया है, इनकी पेंशन बंद कर दी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, काय ने गलती से इनका ये मरो दिखा दियो, ऐसे कोई पार्टी बंदी ना, ऐसे कोई ना कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी कोई, ये तो भाई या अल्लाह पतो का हिसाब से पेंशन रोकी गई है, और जो मरो दिखा दो, ये तो जिंदो ढोल रो, कौन कहे मरो, ये लंबरदारी को मोबाइल मिलो और या मतलब तनख्वाह मिले लंबरदारी की, एक 3 महीना होगा, चौथा महीना चलो, जो ये बुढ़ापा पेंशन ना मिल रही आगे, और जब अभी दफ्तर में चक्कर काट तो डोल रहो, अधिकारी ना माने, जब जिंदो ही डोल रो है तो मर कहाँ से गयो, या कि पूरी छानबीन करी जा कहा कसन दिखाओ मरो, या कि पूरी वह छान पे जाए मरो कौन सी कलम से हुई। बहुत बड़ी बात है, ना? आपने बड़ी लापरवाही है। इतनी लापरवाही जो अधिकारी करा, ये पैसा से तो कराए, बिगर पैसा तो सुनाई कराई ना, ये अपने इनसे नू पूछे कि ये मरो कौन से कागदन में, कौन से कागदन मरो दिखाई हुई, और का हिसाब से मरो हुई, ये तो जिंदो है, कौन कहे मरो हुई, ये डोलो जिंदो हुक्का पी रो आराम से अपने अकबर पर। हाँ, हुक्का पीता खूब ठेडा, मुड़े बैठ के 5 टाइम नमाज पढ़े, खूब दीनदार आदमी, अल्लाह अल्लाह वालो, और यहाँ की उम्र भी घनी है, सब अन सुबह हमारे ही नहीं, ठीक है, सलाम अलैकुम। क्या बाबा? दिमाग से सेट है, बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत ना है,
और कोई प्रॉब्लम ना है, ये कहने बाज चिट बिट कहनी लिखवाई है, मतलब ये कोई ऐसी ना पार्टी बाज सुना लिखी, तो कोई मजाकड़े आदमी है, जानी काम करो मजाकड़े आदमी है, हाँ जाने काम करो, कोई मजाकड़े आदमी है, मजाक मजाक में मार दे किसी को, मजाक मार दे ना, अब बड़ी मुश्किल जिंदा करो यू। अच्छा, और आप जाए तो सहयोग मिलोगे, अब दिन तो और होएगा। अच्छा। आज चैनल पहुंच जाएगा आज यू, अभी तक तुम्हारा पढ़ो यू। चलिए, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे गाँव के लोग इस बात के बारे में लगातार जगह जगह बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं कि जो अब्दुल्ला रात दिन हमारे साथ बैठ कर के यहाँ हुक्का पीता है, आखिरकार अचानक से उसके मरने की खबर कैसे आ गई, उसको 3 महीने पहले मरा हुआ कैसे दिखा दिया गया। अब ये लोग बता रहे हैं कि हम जगह जगह दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, बावजूद उसके हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनका मानना ये है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए उन लोगों की जिन लोगों ने इनको मरा हुआ दिखा दिया है। खैर, अब सवाल ये है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या वास्तव में कार्रवाई होगी, क्या ऐसे लोगों के ऊपर जांच बैठेगी जिन लोगों ने इस तरीके का मजाक किया है, जिन्होंने इनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हतीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहाँ बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर, और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान, तो अभी डायल करें 95-88-57-35-75 डॉक्टर परवेज के पास, लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े।